नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर आपका इस नए वीडियो में। और अभी आप अपने सामने देख रहे हैं एक गंदी सी हंटर, मतलब बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है बेचारी। गलती नहीं है, मैं इसे 850 किलोमीटर चला के लाया हूँ पिछले 5 दिन में, लेकिन इसको वॉश नहीं करवाया अब तक। अब इस वीडियो में स्पेशल वो 850 किलोमीटर नहीं है, इस वीडियो में स्पेशल है मेरे द्वारा की गई एक गलती। अभी आप इसका मडगार्ड देख रहे हैं, इसको लेग गार्ड बोल सकते हैं, मडगार्ड बोल सकते हैं, आई डोंट नो एक्चुअल क्या है ये, बट इसके अंदर आप कुछ देख रहे हैं, कुछ मिसिंग है। इसका एक बेबी पार्ट होता है नीचे, वो मैंने खोल के रख दिया था और मुझे खोलने से लगा कि शायद इसका लुक और अग्रेसिव दिखाई देगा, बट वैसा तो हुआ नहीं। आई डोंट नो मैंने कौन सा नशा किया था उस दिन जो मेरे को लगा कि लुक इम्प्रूव हो जाएंगे, अग्रेसिव दिखेगी बाइक, बट हॉर्न जो होता है ना अपना, वो बजना बंद हो गया। रीज़न क्या है उसके पीछे, आप इधर से हॉर्न को देखिए। हॉर्न जो है दोस्तों डायरेक्टली कीचड़ मट्टी जो भी होती है वो बेबी पार्ट जो था वो रोक लेता था, लेकिन अब वो सारी डायरेक्टली हॉर्न के ऊपर जा रही है। तो अपना हॉर्न बेचारा 3-4 दिन पहले ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसका गला बैठ गया हो, और अभी तो मैं बात करूं, देखिए चाबी ऑन ही है ये देखिए, एंड बिल्कुल भी बजना बंद हो गया। ये देखिए मैं बार बार प्रेस कर रहा हूँ, टिंग 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 टिंग, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो वैसे भी मेरे को इसके अंदर ड्यूल हॉर्न का सेटअप लगवाना था, बट इतनी जल्दी मैंने प्लान नहीं किया था क्योंकि मेरा चल रहा है एप्रिलिया का रिस्टोरेशन का सीरीज़, उसमें भी पैसा जा रहा है, तो मैंने सोचा इसमें काम थोड़ा दिन के बाद करवाएंगे। बट अब ख़राब हो गया है तो हॉर्न डलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना हॉर्न के तो भाई साहब बाइक चलाना ना ये लगा लीजिए लोग नर्क बना देते हैं जीवन, क्योंकि कोई हटता ही नहीं है। दूसरों की छोड़ो, अपने लोग नहीं हटते जो बाइक पे पीछे बैठते हैं, हॉर्न नहीं है ना सुनते भी नहीं है। तो लेके चलते हैं सब फटाफट किसी प्रोफेशनल के पास में और लगवाते हैं इसके अंदर ओरिजिनल रॉयल इनफील्ड का ड्यूल हॉर्न सेटअप। आप लोग प्लीज़ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक कर दीजिए, कोई भी ओपिनियन क्वेश्चन क्वेरी हो तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको जिंदा मिल जाऊंगा, रिप्लाई दे दूंगा आपके क्वेश्चंस का। अगर आप एक्स्ट्रा बातचीत करना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, कोई भी और कोई भी बातचीत है तो मैं इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा @bikebond21। सो चलिए चलते हैं, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि अपना चल रहा है 365 डेज 365 वीडियोज़ का चैलेंज। डेली शाम को 5 बजे वीडियो आता है बाइक से जुड़ा हुआ, एंड एप्रिलिया का जो रिस्टोरेशन का सीरीज़ है ना बड़ा धमाकेदार है, वन ऑफ द बेस्ट एप्रिलिया बनाने वाले हैं हम उसे, जो कि 2-3 दिन में बन के तैयार हो जाएगी। अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे ना जाइए देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सबके। दोस्तों ये है अपने हॉर्न जो लगने वाले हैं अभी अभी, वैसे हंटर में सिंगल हॉर्न आता है बट मैं डबल हॉर्न लगवा रहा हूँ, और ये प्रॉपरली लीगल हॉर्न है, ये इलीगल नहीं है, यूनो मिंडा का हॉर्न है, ओरिजिनल हॉर्न है। तो बाकी सारी चीज़ें तो ठीक ठाक हैं, बिल्ड वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है, और आपको जैसा पता है कि मैं इलीगल चीज़ें ना तो प्रमोट करता हूँ और ना ही खुद यूज़ करता हूँ, तो जो प्रेशर हॉर्न होते हैं वो आप भी मत लगवाइए, नॉर्मल हॉर्न यूज़ करिए, क्योंकि किसको क्या समस्या है हमें नहीं पता, सड़क पे हर तरह का आदमी घूमता है। दोस्तों जैसे ही अपने ये हॉर्न लग जाते हैं ना, हॉर्न लगने के तुरंत बाद मैं घर पहुंचते ही जो बेबी पार्ट मैंने इसका फेंडर का खोल दिया था ना, फेंडर बोल लें इसको, टायर गार्ड बोल लें इसको, वो मैं वापस से लगा दूंगा तुरंत जाते ही, वरना ये हॉर्न भी ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि आज तक 100% वाटरप्रूफ हॉर्न तो कोई बना ही नहीं है। जितने भी हॉर्न आते हैं अगर आप डायरेक्टली पानी जाएगा या कीचड़ जाएगा उसके अंदर तो वो ख़राब होगा ही होगा। बट दो चीज़ें होती हैं, पहला प्रोटेक्शन एंड दूसरा प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट जो करवाएंगे वो भी ऐसे करवाएंगे कि पानी कम से कम पहुंचे, एंड प्रोटेक्शन के लिए हमारा जो बेबी पार्ट है उसे भी लगा देंगे। दोस्तों ड्यूअल हॉर्न जो है इसके अंदर लग तो जाए, पर लगने की जो समस्या क्या आ रही है कि दूसरा हॉर्न यहाँ साइड में प्लेस होगा। अब मैं चाहता नहीं हूँ कि हॉर्न साइड में प्लेस हो, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, आवाज़ बढ़िया आ रही है दोनों हॉर्न्स पे, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि ये साइड में प्लेस हो रहा है। तो साइड में प्लेस ना हो इसके लिए हम करेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़ जो कि ये एक के ऊपर एक प्लेस हो जाए। तो मैंने एक भाई की बाइक में लगा हुआ देखा था कि उन्होंने यहाँ पे एक के ऊपर ये जो बीच में स्पेस है
एक के ऊपर एक दो हॉर्न लगवाए हुए थे। तो उसके लिए स्पेसिफिकली जैसे हमारे फॉग लैम्प माउंट आता है ऐसे ही माउंट आता है, और उस पर सामने की तरफ जाली लगी हुई थी जिससे कि पानी वगैरह ना जाए। तो वो होपफुली वो ऑनलाइन मेरे को मिल जाएगी ढूंढने से, तो उसको ढूंढते हैं एंड उसके बाद इसमें ड्यूल हॉर्न का सेटअप करवाते हैं। अभी तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल ही हो गया है, बाकी भाई लग रहे हैं कोशिश में कुछ और जुगाड़ हो जाए तो। पॉसिबल लग रहा है कोई जुगाड़ है? देख ले भाई हो जाए तो। अब दोस्तों देखते हैं कि ये वाला जो नट है यहाँ से इसको खोल के ये जो पत्ती है ये सीधी इस पर ऐसे लग जाए तो ये दोनों ऊपर नीचे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ साइड में बहुत ऑड लग रहा है यार लगा हुआ। मैं वैसा वाला इंसान नहीं हूँ साइड में उसे झेल लूँ, मेरे को बड़ा इरीटेट करेगा वो। तो अगर यहाँ पे इस बीच में लग जाते हैं दोनों, ये जो बीच में स्पेस है इसके एक के ऊपर एक ऐसे, तो ज़्यादा बेटर है, लुक भी अच्छा लगेगा। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली जुगाड़ हो गया है, भाई ने पत्ती वत्ती बना के कुछ बढ़िया तरीके से जुगाड़ कर दिया है। जैसा अपना रिक्वायरमेंट था वैसा ही एक के ऊपर एक हॉर्न आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पत्ती अलग से लगाई है, ये पत्ती अलग से लगाई है, ये वाली हमारी OEM थी। तो ये सारा जो क्रेडिट जाता है भाई को जाता है, भाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी इसकी फिटिंग स्टार्ट होती है, फिटिंग होने के बाद मैं आपको सुनाता हूँ आवाज़ कितनी बेहतरीन आ रही है दो हॉर्न लगने के बाद। अभी जो हमारा स्टॉक हॉर्न है ये हाई लगा हुआ है, तो हमने जो दूसरा लिया है वो लो हॉर्न लिया है। अभी जैसे इस पर लिखा हुआ है ना, देख सकते हैं आप H, इट मीन्स कि ये हाई है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है L, तो ये लो है। तो इसीलिए क्योंकि हमारा सेटअप हाई ऑलरेडी लगा हुआ है, लो हमने लगवा दिया, तो हाई लो का सेटअप आएगा, बेहतरीन साउंड आने वाला है। भैया जल्दी से फिट कर दो और उसके बाद मैं आपको सुनाता हूँ आवाज़ हॉर्न की। दोस्तों जो भी प्रोसेस हुआ वो आपने बाइक में देखा होते हुए अपनी आंखों से, और मैंने हर चीज़ आपको दिखाई, लेकिन हॉर्न जो है हमारा स्टॉक ही लगा हुआ है। जो हॉर्न स्टॉक था वही हॉर्न लगा हुआ है, कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, और ये हॉर्न अब बज भी रहा है, ये देखिए। अब इसके पीछे का रीज़न जो है वो वही है, जिस प्रकार की फिटिंग मैं चाहता था वैसी फिटिंग हो नहीं पा रही थी, तो इसलिए फिर स्टॉक पे ही मैंने इसको रहने दिया। क्योंकि हॉर्न अगर यहाँ पे साइड में लगता दूसरा तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो ऊपर जो है लगा नहीं पा रहे थे। तो अभी इसका कुछ जुगाड़ करते हैं, इसके लिए फ्रेम मंगवाते हैं या फिर कस्टम फ्रेम बनवाते हैं, और उसके बाद इसके अंदर हम हॉर्न लगवाएंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी ओपिनियन क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही ऐसा ही जेन्युइन इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट इन फ्यूचर भी देखना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बाकी अपनी बाइक चल चुकी है 8500 किलोमीटर्स, यानी कि एक और सर्विस इसकी होने वाली है, तो जो थर्ड सर्विस होगी उस पर बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होते हैं, बहुत सारे पार्ट जैसे क्लच वायर हो गया और भी चीज़ें, तो वो सारे अपडेट भी आपको फ्यूचर में मिलते रहेंगे। होपफुली 10-15 दिन में 10,000 हो जाएंगे पूरे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कोई भी ओपिनियन क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जय हिंद जय भारत।